नमस्कार, मैं सिमरनजीत सिंह, बिहारी न्यूज से। 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं देश की सबसे खूबसूरत सांसद के बारे में। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की आंधी थी। 2019 के परिणामों के लिहाज से देखें तो इस चुनाव में नरेंद्र मोदी की सुनामी थी। मोदी की सुनामी में बड़े बड़े सियासी सुरमाओं के गढ़ ध्वस्त हो गए, लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र एक ऐसा चुनावी नतीजा भी आया जिसने तमाम राजनीतिक पंडितों को चौंका कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा सीट की, जो इस प्रदेश की हॉट सीट बनी हुई थी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की आंधी में बड़े बड़े यूपी और एनडीए के नेता हवा में उड़ गए, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी नवनीत रवि राणा ने सबको पछाड़ते हुए महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट पर कब्जा कर लिया। नवनीत राणा ने जहां इस सीट पर शिवसेना के निवर्तमान सांसद आनंदराव बिठोवा को 37,000 से भी ज्यादा वोटों से पछाड़ कर रख दिया, तो कांग्रेस एनसीपी के उम्मीदवार को इस सीट पर तीसरा नंबर का मुंह देखना पड़ा। नवनीत राणा दक्षिण भारतीय फिल्मों की मशहूर अदाकारा हैं और उनकी जीत के पीछे उनके ग्लैमर को भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। बताते चले कि नवनीत राणा पिछली बार भी सीट से एनसीपी के टिकट पर चुनावी मैदान में थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अमरावती सीट के बारे में आपको यह भी जानना जरूरी है कि यह सीट एक दौर में देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का निर्वाचन क्षेत्र भी हुआ करता था जब वो लोकसभा की सदस्य थी। नवनीत राणा के सियासी रिकॉर्ड पर नजर डालें तो इसके पीछे उनके पति रवि राणा नजर आएंगे। रवि राणा भी महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। रवि राणा अभी महाराष्ट्र विधानसभा में निर्दलीय विधायक हैं। इसके पहले उनका संबंध एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हुआ करता था। नवनीत के जीवन पर निगाह डालें तो उनका जन्म 3 जनवरी 1986 को मुंबई के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता भारतीय सेना के बड़े अधिकारी थे। नवनीत ने रवि राणा के साथ एक सामूहिक विवाह समारोह में शादी की थी। देश के अन्य हिस्सों में नवनीत की बहुत खास पहचान भले ही ना हो, लेकिन दक्षिण भारत में विशेष तौर पर तेलुगु फिल्मों में उन्हें ग्लैमरस अभिनेत्री के तौर पर जाना जाता है। फिल्म और राजनीति के अलावा नवनीत और उनके विधायक पति समाज सेवा में खासी दिलचस्पी रखते हैं। क्षेत्र के गरीबों, दिव्यांगों और लाचार लोगों की मदद के लिए वो लगातार आयोजन करते रहते हैं। नवनीत के इस धमाकेदार जीत के पीछे इन सामाजिक कार्यक्रमों का भी बड़ा योगदान बताया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो और आप इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हो तो भी इसे शेयर करें। नमस्कार।